आ जाइए भाई, आपने बुलाया, सब खैरियत था? क्या चाय चाय पियोगे? नहीं कुछ नहीं, आपने फोन किया था, सब खैरियत है? मसला तो है यार, और मसला बढ़ता भी जा रहा है। फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं, कंसाइनमेंट्स वापस आ रही हैं, क्लाइंट्स पेमेंट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। भाई आपने ये बात पहले तो कभी नहीं बताया। कैसे बताता, तुम्हारी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ चल रही है, तुम्हारी अपनी नौकरी है, तुम्हारी अपनी परेशानियां होंगी, कि मैं थक गया हूं। हाँ, घर के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यहां काम के समझ में नहीं आ रहा, मुझसे अकेले अकेले हैंडल नहीं हो पा रहा है। और हाँ, मेरे साथ उसने भी ऐसी चीटिंग की कि दिल ही टूट गया। मैंने आपसे कहा था ना, फरहान वाला मसला मुझे दे दे, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, लेकिन नहीं। आतिम यार, कब ठीक होगे तुम? इसका मतलब है मुझे तुमसे कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना? आई एम सॉरी भाई, बात के बाद बताइए आप क्या चाह रहे हैं। अच्छा, जो मैं चाहूंगा तुम वो कर दोगे ना? आप बोलें तो सही। नौकरी छोड़ दो यार, यहां आ जाओ अपनी फैक्ट्री पे, हम मिलकर अपने काम को बढ़ाएंगे, हम इस लॉस से रिकवर करवाएंगे। मुझे जरूरत है तुम्हारे यहां तो। आई रियली रियली नीड यू, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। क्यों कह रहे हैं आप चाहते हैं मैं जॉब छोड़ दूंगा? मैं छोड़ दूंगा जॉब, आपके पास आ जाऊंगा, आप जो चाहेंगे वो मैं करूंगा। क्या सॉरी यार, क्या हो गया? अच्छा चलो बैठो ना, चाय तो पियो कम से कम।